ठीक से बताइए ना, कैसे हैं आप? इंदौर कैसा लगा? खुश हैं सब? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। हमारे विदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर एस जयशंकर जी, मिस जेनेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिन्हें आप अभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अनुराग ठाकुर जी, राज्य मंत्री हमारे निशीत प्रमाणिक जी, विदेश सचिव डॉक्टर आसफ सईद जी, सचिव युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सुश्री मीता राजीव लोचन जी, यहां उपस्थित भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री साथीगण, और पूरे दुनिया से यहां पधारे हुए मेरे बहनों, मेरे भाइयों और भांजे और भांजियों। मैं मध्य प्रदेश वालों का मामा हूं, तो आपका भी मामा ही हुआ। इंदौर में आपका हृदय से स्वागत। और केवल मेरी तरफ से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और स्वागत केवल शब्दों में नहीं है, ये स्वागत आत्मीय है, ये स्वागत भावनाओं से है। और वो भावनाओं का प्रकटीकरण आप इंदौर की सड़कों पर देख रहे होंगे। विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर सजाया गया है, रंगोलियां बनाई गई है। केवल स्वागत द्वार नहीं बनाए, इंदौर की जनता ने पलक पौड़े आपके लिए बिछाए। या इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था, झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काय को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहराएंगे। हर एक ललायत था हमारे घर ले चलो। सचमुच में आप सब आए, मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश है देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हमारे दिल के टुकड़े, अतिथि देवो भवा की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, लेकिन भारत के ऋषियों ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी मूल मंत्र को आत्मसात करके केवल भारत नहीं आज दुनिया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस है मित्रों, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल की होती है, युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है, युवा वो है जिसके सीने में आग होती है,